ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही बोइंग 737 विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार क्रू मेंबर समेत 176 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेहरान से यूक्रेन जा रहा यात्री विमान क्रैश, गिरते ही शोलों में बदला विमान। बोइंग 737 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा, 176 लोगों की दर्दनाक मौत। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये तस्वीर बोइंग 737 विमान की है, जिसने तेहरान से यूक्रेन के लिए उड़ान भरी, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। इस विमान हादसे की वीडियो में मौत का मंजर साफ देखा जा सकता है, जिसमें एक विमान गिरते हुए दिख रहा है और गिरते ही विमान शोलों में बदल जाता है। यूक्रेन एयरलाइंस का विमान तेहरान से यूक्रेन के कीव जा रहा था। इसी दौरान इमाम खोमेनी एयरपोर्ट पर बोइंग 737 विमान उड़ान भरने के 3 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। ईरान मीडिया ने दावा किया है कि विमान में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 167 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। उड्डयन विभाग की एक टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है। रिपोर्ट R9 TV।